तो एडीम साहब, क्या आपको पता नहीं है धारा 144 लगा दी गई है? इसमें नो कमेंट करना ठीक है। तो सर, अभी आपको पता है लोग इतने बाहर खड़े हैं, जो यहाँ धर्मशाला की जनता है, कितने मामले आपके सामने आ गए हैं, लेकिन धर्मशाला के लोग ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे घरों के बाहर इतनी भीड़ है। आपने कहा है 4 से ज़्यादा लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन क्या ये एहतियात बरती जा रही प्रशासन द्वारा? बिल्कुल पूरी एहतियात है वैसे तो रख रही है, तो एहतियात तो सामने बाहर सड़कों पर दिख रही है सर, जो जो कितनी भीड़ भी है। जो प्रिकॉशन है वो तो सारी ली गई है इसमें। सर, ये तो धारा 144 की प्रिकॉशन ली गई है। तो ये एडीएम साहब हैं, कोई जवाब देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। धारा 144 लगी है। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको आज ऑक्शन को बंद कर दिए, क्योंकि सरकारी कामकाज आज से बंद कर दिया गया है। डीसी साहब के आदेश हैं, डीसी साहब ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये आदेश जारी किए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस ऑक्शन को जो है बंद कर दें आप, ताकि इतनी भीड़ जो है बाहर वो इकट्ठी ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर शराब के ये जो आप नीलामी और जो भी ये काम हो रहा है, तो आपके सामने ये बाहर कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं बाहर कितना हजूम लगा हुआ है। तो धर्मशाला के लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो अगर आपने सरकारी आदेश जारी किए हैं तो आपको भी मानना जो है ये पड़ेगा। सरकारी आदेश हैं, सरकारी आदेशों को मानना जो है सबके लिए है, अगर अनिवार्य है, सब अगर मान रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। काइंडली इस ऑप्शन को बंद करवा दिया जाए, हमारा आपसे यही अनुरोध है। तो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इस वक्त आपके साथ मृत्युंजय पुरी, और हम धर्मशाला में हैं। आज धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन धारा 144 के बावजूद जो है कितने लोग इस वक्त यहां पर खड़े हैं। तो एक हमारे भाई साहब हैं, सबसे पहले जागरूक नागरिक हैं, इन्होंने हमें आकर बताया कि धारा 144 लगी है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं। क्या शिकायत है भाई आपकी इनसे? नहीं, वैसे आप देखिए, चलो ऑक्शन है वो, चलो इनका अपना इशू है, बट लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कितने बोला गया है कि 4 से ज़्यादा लोगों को जो है नहीं मतलब खड़े किए जाएंगे। हम खुद ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारे घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, छोटी बच्ची आप देखिए ऊपर वो कर रही है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए ना। मतलब दो से मतलब आपको बोला गया तो इनका कोई प्रबंध किया जाए कि कहीं ढंग से जहाँ पे बिठाए जाए, या तो इसको सरकारी काम तो सारे बंद कर दिए जी, तो फिर बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आसपास यहाँ भी घर हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, 60 से ऊपर है। तो ये स्थानीय लोगों की मांग है कि ये जो ऑक्शन है इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है आज प्रशासन ने अगर धारा 144 लगाई और प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है। हम इस वक्त लाइव जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऑक्शन जो है ये लगातार जारी है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही ये ऑक्शन जो है कराई जा रही है। तो इस वक्त आप देखें, ये सरकारी कामकाज जो है प्रशासन ने जो है धारा 144 लगाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है बाहर इतने लोग एकत्रित हैं, सरकारी कामकाज जो है बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर बोली का काम फिर भी शुरू है। तो आप देख सकते हैं कितने जागरूक जो हैं अधिकारी हैं, अधिकारियों द्वारा जो है ये लगातार कार्रवाई और ऑक्शन का काम जो है वे शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, धारा 144 लगने के बावजूद जो है यहाँ पर ऑक्शन का काम जारी है, और ऑक्शन जो है मेरे ख्याल से एडीएम साहब जो हैं इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एडीएम साहब, क्या आपको पता नहीं है धारा 144 लगा दी गई है? इसमें नो कमेंट करना ठीक है। तो सर, अभी आपको पता है लोग इतने बाहर खड़े हैं, जो यहाँ धर्मशाला की जनता है, कितने मामले आपके सामने आ गए हैं, लेकिन धर्मशाला के लोग ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारे घरों के बाहर इतनी भीड़ है। आपने कहा है 4 से ज़्यादा लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन क्या ये एहतियात बरती जा रही प्रशासन द्वारा? बिल्कुल पूरी एहतियात है वैसे तो रख रही है। तो एहतियात तो सामने बाहर सड़कों पर दिख रही है सर, कितनी भीड़ है। जो प्रिकॉशन है वो तो सारी ली गई है इसमें। सर, ये तो धारा 144 की प्रिकॉशन ली गई है। तो ये एडीएम साहब हैं, कोई जवाब देने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। धारा 144 लगी है। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको आज ऑक्शन को बंद कर दिए, क्योंकि सरकारी कामकाज आज से बंद कर दिया गया है। डीसी साहब के आदेश हैं, डीसी साहब ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये आदेश जारी किए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इस ऑक्शन को जो है बंद कर दें आप, ताकि इतनी भीड़ जो है बाहर वो इकट्ठी ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर शराब के ये जो आप नीलामी और जो भी ये काम हो रहा है, तो आपके सामने ये बाहर कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं बाहर कितना हजूम लगा हुआ है। तो धर्मशाला के लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो अगर आपने सरकारी आदेश जारी किए हैं तो आपको भी मानना जो है ये पड़ेगा। सरकारी आदेश हैं, सरकारी आदेशों को मानना जो है सबके लिए है, अगर अनिवार्य है, सब अगर मान रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। काइंडली इस ऑप्शन को बंद करवा दिया जाए, हमारा आपसे यही अनुरोध है। अन्यथा डीसी साहब को इसमें इंटरप्ट करने के लिए हम आग्रह करेंगे कि लगातार जो है हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि धर्मशाला में किस तरह धारा 144 का सरकार के अधिकारियों द्वारा ही, ये एडीएम साहब हमारे बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कामकाज करना आवश्यक है, लेकिन
सरकारी आदेशों को ही उल्लंघन जो है, सरकारी आदेशों का उल्लंघन जो है सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। धारा 144 लगाने के बाद भी यहाँ पर लगातार जो है ऑक्शन का काम जारी है और ऑक्शन की जा रही है, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब अधिकारियों को थोड़ा सा लगेगा कि शायद इस ऑक्शन को बंद कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह कोरोना वायरस का खतरा जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दो मामले जो है कांगड़ा में आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार इस तरह के मामलों को देखते हुए भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। हजूम जो है, बाहर की भीड़ हमने आपको दिखाई किस तरह यहाँ पर बाहर जो है भीड़ लगी हुई है, और भीड़ का आप देखें तांता कितना है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो हैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन जो है बिल्कुल भी एहतियात बरतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऑक्शन लगातार जारी है और आप देखें भीड़ का हजूम जो है, किसी के घर के बाहर जो है इस तरह की भीड़ लगाई जा रही है, किसी के घरों के बाहर जो है इस तरह का हजूम जो है खड़ा हुआ है। तो हम सरकार, जिस तरह प्रशासन ने ये जारी किया है कि धारा 144 के तहत कम से कम लोग जो हैं एक साथ रहें, धारा 144 का सरेआम जो है उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये ऑक्शन बुलाई गई थी। एडीएम साहब से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, आपने देखे कि एडीएम साहब जो है कुछ भी बोलने से जो है कतराते हुए नजर आए। हालांकि हमने आग्रह जरूर किया है कि आप इस ऑक्शन को बंद करवा दें, लेकिन अगर बंद नहीं होती है तो डीसी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि ऑक्शन को जो बंद करवाएं। फिलहाल जो है अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो है इस मामले में कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले पत्रकार वार्ता के दौरान जो है डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा था कि कोई भी सरकारी काम जो है नहीं होगा, सरकारी कामकाज जो है बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है लगातार जारी है। यहाँ पर भीड़ जो है, हजूम जो है आप देख सकते हैं, लगातार जो है भीड़ यहाँ पर जारी है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइव अपडेट है जो यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, किस तरह यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। लोग जो है यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने लोग हमारे घरों के बाहर खड़े हैं, कोरोना वायरस का खतरा है, धारा 144 लगी है, प्रशासन धारा 144 लगा रहा है और प्रशासन द्वारा ही ये ऑक्शन जो है करवाई जा रही है। तो हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि ये ऑक्शन बंद करवा दी जाए, लेकिन अभी तक ऑक्शन बंद नहीं करवाई गई है। 5 मिनट बाद फिर से हम अंदर जाएंगे, अगर ऑक्शन हो रही होगी तो हम आपको लाइव तस्वीरें फिर से दिखाएंगे कि प्रशासन कितना बेशर्म है, कितना जो है शर्मशार करने वाला ये जो आप माहौल देख सकते हैं कि अगर खुद ही अगर आपने धारा 144 लगाई है और खुद ही आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी आके बाहर जो है लोगों को आगे पीछे जाने के लिए अनुरोध जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अनुरोध आप देखें कैसे ये है, इस जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस धारा 144 लगने के बावजूद जो है इस ऑक्शन को करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काम जो है कुछ दिन टल सकता था, कुछ दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये धारा 144 लगाने के बावजूद जो है आज ही ये ऑक्शन का काम किया जा रहा है। लगातार जो है ऑक्शन जारी है, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि लोगों के घरों के बाहर जो है लोग ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने जो है लोग एक साथ खड़े हैं, कितनी जो यहां पर जो है कितनी एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन एक तरफ से जो लगातार जो है हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, प्रशासन एक तरफ से कह रहा है कि 4 से अधिक लोग एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 से 4 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए जब आप खड़े हैं तब भी, लेकिन आप देखें ये धारा 144 जो है लगी हुई है, कोरोना वायरस का खतरा जो है सबसे ज़्यादा है। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद जो है आप इस तरह के एहतियात नहीं बरत रहे हैं और इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। हम आपको लाइव तस्वीरें फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे, क्या प्रशासन ने इस ऑक्शन को बंद किया है या लगातार ऑक्शन जारी है। तो ऑक्शन अगर जारी होती है तो ये बहुत ही शर्म की बात है, प्रशासन ने अगर इस ऑक्शन को बंद नहीं किया है तो बहुत ही शर्म की बात है कि अगर प्रशासन इस ऑक्शन को लगातार जारी रखता है, क्योंकि हजूम जो है लगातार यहाँ पर बना रहेगा और लगातार भीड़ यहाँ पर जारी रहेगी। तो हमारा तो आग्रह हमने किया था कि प्रशासन इस ऑक्शन को बंद कर दे, लेकिन ये भीड़ आप देखें ये लगातार, अब फिलहाल अंदर जो है डिस्टेंस में कुर्सियां लगाई हैं, बहुत बेहतर की बात है कि 3-3 फुट के डिस्टेंस में कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन बाहर का हजूम आप देखें कि बाहर कितनी भीड़ जो है वे लगी हुई है। अगर धारा 144 के तहत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, सारे काम जो है बंद कर दिए गए, तो उसके बावजूद ये कार्रवाई क्यों अमल में लाई जा रही है, आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है प्रशासन की कि आज ही जो है प्रशासन को ये सारा काम निपटाना है, आखिर क्या कारण है और किस मजबूरी की वजह से प्रशासन जो है ये कार्य कर रहा है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं धर्मशाला से कि धर्मशाला में इस वक्त एडीएम साहब हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और एडीएम साहब जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस ऑक्शन की अध्यक्षता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑक्शन अभी भी जारी है। हमारा आग्रह यही था कि ऑक्शन बाद में की जा सकती थी,
लेकिन ऑक्शन जो है अभी भी जारी है और ऑक्शन का कार्य जो है लगातार चल रहा है। हम अपडेट जो है हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट जो है ये आपको दिया जा रहा है कि लगातार ऑक्शन जो है वे की जा रही है। बाहर जो है फिलहाल भीड़ हटाने की बात की जा रही है कि भीड़ वहाँ से हटा दी जाए, लेकिन अगर ऑक्शन हो रही है तो भीड़ तो रहेगी ही। सरकारी कामकाज जो है वे बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन फिलहाल जो है ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चलो बाहर अब आपको लेके चलते हैं। अगर प्रशासन इस अपडेट जो ऑक्शन है इसे बंद नहीं करवाता तो बड़ी शर्म की बात है कि अगर खुद ही धारा 144 लगा रहे हैं और खुद ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी कामकाज को ठप करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्शन जो है ये की जा रही है। तो हम लगातार अपडेट जो है धर्मशाला से आपको दे रहे हैं। तो मैं मृत्युंजय पुरी आपके साथ जो लगातार अपडेट आपको दे रहा हूं, और धारा 144 के बावजूद जो है कितने लोगों की हजूम जो है यहां पर प्रशासन द्वारा एकत्रित किया जा रहा है आपके सामने है कि दो मामले लगातार आए हैं। दो मामले आने के बावजूद जो है प्रशासन जो है, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि इस तरह की कार्रवाई प्रशासन करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशासन को लगातार जो है हम अपडेट दे रहे हैं। तो फिलहाल जो है अब डीसी महोदय से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है और क्या मानते हैं कि धारा 144 लगने के बाद भी वे इस अपडेट को लगातार जा रहे हैं। तो देखें आप किस तरह ऑक्शन जो है अभी भी जारी है और ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो हमारा आग्रह यही था, लेकिन प्रशासन जो है बेशर्म हो चुका है। बेशर्मी की आखिर पता नहीं क्या कारण है कि प्रशासन को क्या मजबूरी हो गई है कि आज ही प्रशासन को ये सारी ऑक्शनें जो हैं वे करवानी हैं, और क्या मजबूरी है प्रशासन की तो प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन अगर डीसी महोदय धारा 144 लोगों के लिए लगा रहे हैं तो शायद प्रशासन के लिए भी यही धारा जो है वे लागू होती है। तो लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें, लगातार आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप इसको हम आपको के सवालों का जवाब देंगे।